सो हे ब्यूटीफुल पीपल, सो मेरे डेली के ऑडियंस, स्वागत है आप सभी का नॉलेज डेली में। और हम लोग बात कर रहे थे थिंक एंड ग्रो रिच बुक के बारे में, जिसके हम लोग 13 पॉइंट्स डिस्कस करेंगे बिना किसी देरी के। चलिए पहले पॉइंट से शुरू करते हैं, द पावर ऑफ थॉट्स। दोस्तों, हमारे फिजिकल पावर जो है उसका ताकतवर हमारे थॉट्स के पावर होते हैं। क्या आप लोग जानते हैं, एक बार अमेरिका में एक दोषी को मौत की सजा हुई, तो साइंटिस्टों ने सोचा कुछ रिसर्च करते, तो उन्होंने उसे बताया कि हम आपको इलेक्ट्रिक चेयर पे शॉक देके नहीं मारेंगे, बल्कि हम आपको एक इंजेक्शन देंगे जिसमें कि कोबरा का वेनम होगा और उससे आपकी मौत होगी जो कि दर्दनाक नहीं होगी। तो वे दिन आया जब उसे मौत की सजा देनी थी, उसे एक चेयर पर बिठाया गया, उसके मुँह को धक्का गया और उसके बॉडी में एक इंजेक्शन जिसमें ग्लूकोन डी था वे लगा दिया गया। देर बाद वे आदमी मर गया। जब डॉक्टरों ने चेक किया तो उसके अंदर में कोबरा का वेनम पाया गया। अब ये कोबरा का वेनम आया कहाँ से? ये कोबरा का वेनम उसके मन ने, वे जो डर था कि मेरे अंदर अभी कोबरा का वेनम इंजेक्ट किया जा रहा है, उसने उसके बॉडी में ही बना दिया कोबरा का वेनम। तो ये है हमारे विचारों की शक्ति। हमारा विचार रियल लाइफ को प्रोजेक्ट कर रहा है, रियल लाइफ को वे बनाता है। तो यहाँ पे वैसे ही सर बताते हैं कि विचारों की जो शक्ति है यही है स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल सक्सेस। आपके विचार जीत दिलाने वाले हैं, पॉजिटिव प्रोस्पेक्ट में है तो वे आपको सक्सेस दिलाएंगे। अगर आपके विचार निगेटिविटी में है तो वे आपको हार दिलाएंगे। और पे कंट्रोल करना, ऑथर यहाँ इस पहले पॉइंट में बताते हैं कि विचारों पे आपका जितना अच्छा कंट्रोल होगा, आपके बिलीफ सिस्टम जितने आपके अंदर में होंगे, उतना ही ज़्यादा चांसेस है कि आप अपने गोल को अचीव कर लेंगे। उसके बाद पॉइंट नंबर टू है डिजायर। देखिए, बर्निंग डिजायर एक वर्ड है, मतलब आप में जीत के लिए कितना भूख है। आप में जितना ज़्यादा भूख होगा खाने के लिए, आप उतने ही पागल होगे, और जितना आप पागल होगे सक्सेसफुल होने के चांसेस उतने ही हैं। यहाँ पे ऑथर बताते हैं कि एक इंसान के लेवल ऑफ डिजायर, मतलब जितना ज़्यादा उसमें भूख है, वे देख के पता लगाया जा सकता है कि उसके लेवल ऑफ सक्सेस कैसे होंगे। इसीलिए अपने अंदर बर्निंग डिजायर को हमेशा बना के रखना है, चाहे आप एक चीज़ को पकड़ो उसे पाने के लिए जी जान लगा दो। तो पॉइंट नंबर थ्री है फेथ, यानी कि विश्वास, आस्था। आप किसी भी धर्म से हो, आप किसी भी मजहब से हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको बस अपने ऊपर, आपने जब एक चीज़ आपने ठान लिया कि मुझे ये चीज़ करना है और इसमें मुझे सक्सेसफुल होना है, उसके बाद आपको अपने ऊपर कि हाँ ये तो मैं कर ही लूँगा, और अपने भगवान के ऊपर या अपने खुदा के ऊपर, इन दोनों पे आप भरोसा रखेंगे तो पक्का आप वे चीज़ कर ही लोगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। पॉइंट फोर, ऑटो सजेशन। अब ऑटो सजेशन क्या होता है, आप अगर ध्यान से देखें तो आप दिन में आप जहाँ कहीं भी हो, आपके अंदर से एक चीज़ आपसे बात करती रहती है, मतलब चेतना आपसे जुड़ी रहती है और आपसे बात करती रहती है। ये आपके पर्सनल चेतना है, ये मैं सबकॉन्शियस माइंड की यहाँ पे बात नहीं कर रहा हूँ। तो जब ये आपसे बात करती रहती है, कभी आपने क्या ध्यान दिया कि आपसे निगेटिव बात किए जा रही है या ये आपसे पॉजिटिव बात कर रही है? अगर ये आपसे निगेटिव बात कर रही है तो अभी के अभी अपने इस ऑटो सजेशन को बदलिए, बहुत ज़्यादा जरूरी है, तो ये आपको बहुत बड़े खाई में गिरा देगा। अगर ये आपसे पॉजिटिव बात कर रही है तो उसे बढ़ावा दीजिए और लगातार अपने आप से पॉजिटिव बात कीजिए। एक आदमी जो 2400 घंटे अपने आप से निगेटिव बात कर रहा है, उसे पॉजिटिव आउटकम कभी नहीं मिलने वाला है। इसलिए अपने आप को पॉजिटिव बात करना ही सिखाइए अपने अंदर से। उसके बाद है पॉइंट फाइव, स्पेशलाइज नॉलेज। अब देखिए, कोई भी जॉब हो या कुछ भी काम हो, तो आदमी लोग ऐसे आदमी को ढूंढते हैं जिसे उस सब्जेक्ट में स्पेशलाइज नॉलेज है। आपने बहुत कम ही देखा होगा कि एक इंसान को किसी चीज़ का स्पेशलाइज नॉलेज नहीं है। फिर वर्क के लिए नहीं, वहाँ पे तो कोई स्पेशलाइज नॉलेज नहीं चाहिए, आदमी काम करते करते ही वहाँ पे स्पेशलाइज नॉलेज ले आते हैं। जो लोग डॉक्टर बनते हैं, डॉक्टर में भी बस डॉक्टरी की पढ़ाई करने से नहीं होता है, उन्हें उस फील्ड में स्पेशलाइज नॉलेज लाना पड़ता है अपने आप को बेटर बनाने के लिए। तो हर फील्ड में स्पेशलाइज नॉलेज अगर आपके पास होगा तो वह आपको बहुत आगे ले जाएगा। आप जिस भी चीज़ में लगे हुए हो, आप ट्राई करो कि उसका सबसे ज़्यादा नॉलेज आपको हो, जितना आपको पता है उसके बारे में उतना और जानिए उसके बारे में। स्पेशलाइज नॉलेज होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इमेजिनेशन, अभी हमने बात की कि ऑटो सजेशन, मतलब अंदर से जो बात होती है वह पॉजिटिव बात हो रही है या निगेटिव। अब इसी के ऊपर आता है कि आप जो ड्रीम्स देख रहे हो, मतलब जब आप सोचते हो अपने आप को, आप एक बार बैठो आराम से किसी कोने में और आप सोचो एक बार कि आप
पाँच साल बाद अभी से कहाँ, और देखो उस इमेजिनेशन में कि आपका इमेजिनेशन कितना दूर तक का है। आप जितना दूर तक का सोचोगे उतना दूर तक ही आप पहुँचोगे, जितना दूर का आप देखोगे उतने दूर तक ही आप जा पाओगे। तो इसीलिए जरूरी है कि आप इतना दूर तक देखें जहाँ तक पहुँचने में आपको 5-10 साल लग जाए। अगर अभी से 5-10 साल बाद भी आप अपने आप को उसी जगह पर देख रहे हो तो आप गलत हो। फिर आपको अपनी इमेजिनेशन, अपने ऑटो सजेशन पर काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और आज के लिए लास्ट पॉइंट, ऑर्गेनाइज प्लानिंग। देखिए, आपने अपने गोल को जब आपने सेट कर लिया है पूरे ये से कि ये रहेगा मेरा गोल, मुझे ये अचीव करना है आने वाले एक साल में, आपका ऑटो सजेशन पॉजिटिव है, आपका इमेजिनेशन पॉजिटिव है, अब आपको पूरी तरह से ध्यान देना है प्लानिंग पे। प्लानिंग, बिना प्लानिंग के कोई काम नहीं होता है। आपको प्लान, हाँ हम लोग 100% प्लान नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपको ऊपर ऊपर का आपको आइडिया होना चाहिए कि ऐसे ये स्टेप ए बी सी डी ई और यहाँ पे मेरा रिजल्ट है। ऐसे आपको अपने स्टेप्स को पहले डिसाइड करना है और उसके बाद आपको उतरना है। ये थे आज के पहले 7 पॉइंट। कल फिर आऊँगा इसी बुक को लेके। हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू।